26 जनवरी को लाल किला हिंसा मामले में 50,000 के इनामी आरोपी किसान को दिल्ली पुलिस ने चंडीगढ़ से दबोच लिया है। आपको बता दें कि आरोपी सुखदेव सिंह करनाल के संगोहा गांव का रहने वाला है। परिजनों ने कहा कि उनके पिता पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन देर रात उन्हें दिल्ली पुलिस ने फोन कर उनके पिता की चंडीगढ़ से गिरफ्तार करने की जानकारी दी। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह को गिरफ्तार किया है। सुखदेव सिंह करनाल के गांव संगोहा का रहने वाला है और किसान आंदोलन में शामिल होने दिल्ली गया था, और दिल्ली में 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह पर 50,000 का इनाम भी रखा था, जिसकी तलाश में पुलिस उसकी धरपकड़ में लगी हुई थी। वही परिवार वालों का कहना है कि उन्हें यह नहीं बताया गया कि वो कहां हैं, कैसे हैं, जिसके बाद से परिवार की चिंता बढ़ गई और अब परिजन पता लगाने में जुटे हुए हैं। सुखदेव सिंह के परिवार वालों का कहना है कि सुखदेव सेवा करने वाला आदमी है, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, उन पर कभी भी कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, वह सबकी मदद करते हैं, दिल्ली किसानों के आंदोलन में शामिल होने गए थे। परिवार का यह भी कहना है कि वह निर्दोष है। चरण जी, अपना महेंद्र जी ये बताएं, रात को आपको फोन क्या आया था और क्या बताया गया? हमारे को सिर्फ रात को ये 11 बजे फोन, 11:30 बजे आया भी आपका ये सुखदेव सिंह हमने गिरफ्तार कर लिया है, हमारे पास दिल्ली है बस। तो क्या करोगे आप? बस आपको कार्रवाई करवाएंगे, हम देखते हैं आप कहाँ हैं। जब आपको बताया नहीं क्या करें? बताओ, पता तो करेंगे, कहीं ना कुछ ना कुछ तो पता करना पड़े कहाँ हो। तो इसको क्या लगता है आपको, इसमें क्या राजस्व हो गई, कुछ ना कुछ राजस्व किया है सुखदेव जी? कोई उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला? आज तक कोई आपराधिक मामला नहीं था उन पे जी, लोगों की सेवा करते। हाँ बिल्कुल। तो आपको कोई भी उसकी आता पता कुछ नहीं दिया? मेरे को कुछ आता पता नहीं दिया आज तक। कितने बजे फोन आया था मेरे पे? रात 11:30 बजे फोन आया। क्या कहा? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। बस कौन कौन गिरफ्तार किए? 2 आदमी बताए, 1 बंदी बताया, फिर मैंने उससे पूछा भी कहाँ है, बस कुछ नहीं बताया। तो जो ड्राइवर है वो कौन है? जो वो अपने हैं, रिश्तेदार है अपना। तो उसके बारे में कोई नहीं? उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो अब आप क्या चाहते हैं इसमें, पुलिस की क्या हो सकती है? चंडीगढ़ से गिरफ्तारी पता नहीं, पुलिस बोल रही चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया, चंडीगढ़ क्या लेने गए वो? हाँ कुछ ना, वो तो पुलिस की चाल है। तो आपको क्या कह के गए थे? हमारे को तो क्या कह थे, हम तो दिल्ली धरने पर चले हैं। अच्छा, पर चंडीगढ़ चले गए? चंडीगढ़ चले गए। तो अब कब जाओगे आप दिल्ली जाने? अब दिल्ली जो बताए आज, हम तो आज भी चले जाएंगे, जो बताए कोई कहाँ है अभी पता नहीं। नहीं आज कोई पता नहीं है। केंद्र सिंह क्या कहेंगे, सुखदेव जी को गिरफ्तार किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा? हाँ जी। ये क्या मामला है, क्या पता लगा आपको? मतलब करो थे गया है, तरने थे गया है, सारी दुनिया गई भी गया और अगों तो पुलिस नहीं पता कि उन्हें हेरी फेरी की उन्हें माड़ा काम नहीं किया। तक मेरे पुत्र सार पिंड पुछो जाके, सब गरीब की सुनता है, उत्थे जाके किसी बाड़े गरीब जो चीज़ उस देता किसी ने माड़ा नहीं किया, उन्हें तो क्यों ने ऐसा किया उन्हें? यहाँ भी सेवादार करते थे लोगों की? हाँ जी, इतने भी करते, जो पुछे टो देना उन्हें सुखदेव न, जो सब बाबा बाबा कर दुनिया कर दी उन्हें। हाँ तो अब क्या चाहते हैं आप? हूँ ये कहते मेरा पुत्र घर आवे, मेरे को की गुनाह किया, मुझे दसन की काम किया, घरों तो गया, उत्थे दुनिया गई है। तो चलो जो लाल किले चले गया, उत्थे सरदार और नहीं गए, और ही चले गए, जो भी चला गया तो फिर की हो गया? फिर उन्हें इस गल की किया हूँ उत्थे गिरफ्तार कर लेना मैं। तो आप क्या चाहते हैं, गलत है वो? गलत ही किया, गलत है। तो यहाँ पर परिवार में कौन कौन है उनके, आपके परिवार सारे उन्होंने बेटे हैं? एक आ बेटा क्या, बड़ा बेटा तो सट ही है, वो लड़की बीमार हो गई उन्होंने, तो उन्होंने दाखिल कराया, तो मम्मी जी उत्थे गई हूँ, वा काकर छड़न गया कल छेत्र, तो दाखिल कराई। 2 महीने पहले यहाँ से गए थे? हाँ। तो अब कब पता लगा आपको इस चीज़ की? वो सामने कल पता लगा, गिरफ्तार कर दिया उन्होंने, वो चंडीगढ़ों लाए ने पुलिस लाई। आपके पिताजी को गिरफ्तार किया गया, क्या पता लगा आपको? हमको तो कल न्यूज़ में पता चला तकरीबन 4:30 बजे कि ऐसे करके सुखदेव सिंह जो लाल किले का मोस्ट वांटेड है, जिस पे 50,000 रुपये इनाम रखा गया, उसको दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने चंडीगढ़ रेड लाइट के ऊपर भाई गिरफ्तार कर लिया। तो उसके बाद हम लोग कॉल करते रहे उनके नंबर के ऊपर, नंबर उनके स्विच ऑफ है, तो उसके बाद हम लोगों ने चंडीगढ़ वगैरह में कई जगह कॉल की हैं वेरीफाई करवाने के लिए, लेकिन हमको कोई ऐसी न्यूज मिली नहीं है। तो उसके बाद ना तो यहाँ कोई लोकल पुलिस हमारे साथ कोई संपर्क में आई है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन रात को 11:30-11 बजे के तकरीबन अंकल जी के पास कॉल आई थी दिल्ली से। क्या कहा? कि
आपके जो सुखदेव सिंह जी हैं उनको हम लोग चंडीगढ़ से अरेस्ट करके और दिल्ली क्राइम ब्रांच में ले आए हैं। और आरोप क्या उनके ऊपर, क्या आरोप? उन्होंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये न्यूज में हम लोग देख रहे हैं कि उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। उनको गुनाह नहीं बताया भी, क्या कर कोई गुनाह नहीं बताया उन्होंने? वीडियो दिखाई? कोई वीडियो हमारे साथ कोई उनकी बात नहीं हुई, कोई ऐसी कोई वीडियो कुछ आपने कोई नजर भी नहीं आई? नहीं, हमको कुछ नजर नहीं, सिर्फ न्यूज चल रही उनकी। और कल से फोन बंद है उनके, फोन बंद है। और कौन है, रिश्तेदार भी कोई बताएगा साथ में? वो गाड़ी है, एक टैक्सी है, यानी दूर का रिलेटिव हमारा दिल्ली में रहता है, वो टैक्सी चलाता है अपनी लोकल, उसकी टैक्सी बताई गई कि उनकी टैक्सी साथ में थी, उसकी टैक्सी में गए हुए हैं और वो टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी दोनों ही लापता है। उसको भी गिरफ्तार कर लिया मतलब? हाँ जी, जब लापता उनके भी घर पर कॉन्टैक्ट किया, वो बोल रहे कल से उनका भी नंबर नहीं मिल रहा, ना घर पर आए वो भी और ना उनकी गाड़ी का कुछ पता। क्या चाहते हैं, कैसे कानूनी कार्रवाई करोगे? अब कानूनी कार्रवाई चाहिए हमको तो कोई पता चले, कोई हमारे साथ कोई पुलिस वाला को वेरीफाई करता आके, अगर उसके ऊपर इनाम रखा गया था तो आज कम से कम 12-13 दिन हो गया 26 की परेड को, उसके बाद कम से कम को हमारे साथ आके यहाँ पे पुलिस को वेरीफाई करती हमारे को कि आपके पिताजी के ऊपर ऐसा कोई केस डाला गया है या उसको कोई रेफरी दर्ज हुई है या कोई इनामी है हमारे साथ। आज तक कोई ऐसा कोई संपर्क हुआ ही नहीं किसी का, रिकॉर्ड ठीक था? रिकॉर्ड है, समाज सेवी आप पता कर सकते हैं, यहाँ पे हमेशा समाज सेवी काम करते रहे हैं करनाल के अंदर, वो बहुत काम किए उन्होंने गुरुद्वारे में भी, वैसे भी समाज सेवा काम बहुत की है। तो ये गलत मानते हैं ऐसा तो है गलत ही, अब ये साजिश है पुलिस की। जब वो दिल्ली धरने पे गए, 2 महीने से धरने पे बैठे हैं, घर तक नहीं आए वो धरने को छोड़ के, तो कल पुलिस बता रही है कि हम लोगों ने चंडीगढ़ से अरेस्ट किया उसको। अब जब तक हमको पूरी डिटेल नहीं मिलती उनको कहाँ पर रखा गया, कहाँ उनको पेश किया गया, जब तक हम लोग क्या आगे कानूनी कार्रवाई कैसे करवाएं जब हमको पता ही नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.